दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकते हैं, कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं। जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि राहुल तीसरी बार मणिपुर गए हैं, मणिपुर के लोगों से मिले हैं और मणिपुर के लोगों का जो है दुख दर्द समझने की कोशिश की है। और मणिपुर में जो ये पिछले एक साल से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, उसके बाद जो है वहाँ पर लोगों का कैसे जीवन बीत रहा है, कैसे वहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये सब जो है राहुल गांधी जो है जाकर देखते रहते हैं और वहाँ पर लोगों से मिलते रहते हैं। और राहुल गांधी ने ये तीसरी बार जो है मणिपुर पहुँचे और मणिपुर जैसे पहुँचे वहाँ पर लोगों ने उनका जो है ज़ोरदार स्वागत किया। और वहाँ पर जितने लोग जो है वहाँ पर हिंसा की आग में जो जले थे, वो जो वहाँ पर राहुल गांधी के जाते ही वहाँ पर लोग रोने लगे और राहुल गांधी को गले लगाकर वहाँ पर लोग रोने लगे और राहुल गांधी ने भी लोगों को गले लगाया। और उसके बाद जो है लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी जो है राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये माजरा क्या है, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद हम आपको जो है फिर विस्तार से समझेंगे कि आखिर में लोग जो है राहुल गांधी के ऊपर ऐसा सवाल क्यों उठा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले चलिए उस वीडियो को देखते हैं जो कि राहुल गांधी वहां पर जाकर लोगों से कैसे मिल रहे हैं, कैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इंप्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ये मणिपुर का वो इलाका है जहां हिंसा प्रभावितों का राहत शिविर है। इन्हीं शिविरों में लोग जिंदगी की नई सुबह की आस के सहारे जी रहे हैं। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिपुर के इन्हीं हिंसा प्रभावित लोगों से मिले। राहुल गांधी ने मणिपुर के चुराचांदपुर में मंडप तुइबोंग रिलीफ कैंप में मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। दूसरी तरफ हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में भी मौजूद लोगों से मुलाकात की। हाथरस हादसे के पीड़ितों की तरह ही राहुल गांधी ने मणिपुर के लोगों को भी आश्वस्त किया है कि उनकी तकलीफें वो संसद में उठाएंगे। हाथरस में राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही थी कि मैं इस घटना का राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहता। शायद मणिपुर को लेकर भी राहुल गांधी का ऐसा ही इरादा है, इसलिए कैंप में पीड़ितों से मिलने के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल से मिले। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकते हैं, कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आपको बता दें कि मणिपुर में मई 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद राहुल गांधी का ये तीसरा मणिपुर दौरा है। जनवरी 2024 में कांग्रेस के भारत न्याय यात्रा की शुरुआत भी राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से की थी। मणिपुर के बाद वो न्याय यात्रा के साथ असम भी गए थे और 22 जनवरी को अयोध्या में हुए राम मंदिर उद्घाटन समारोह के दौरान भी वो असम में ही थे। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। 3 मई 2023 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे।
जो देखते ही देखते पूर्वी पश्चिमी इम्फाल, विष्णुपुर, तेंगनुपाल और कांग पोकपी समेत अन्य जिलों में फैल गए थे। इस हिंसा में करीब 200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा ऐसे वक्त प्लान की गई जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा कर रहे हैं तब राहुल गांधी उस राज्य के लोगों के साथ खड़े हैं जहां के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह देख रहे हैं। और यहीं पर आप देखिए, राहुल गांधी गए तीसरी बार मणिपुर में गए और मणिपुर के लोगों का दर्द जो है वो समझने की कोशिश किए और लोगों का जो है सहारा बने। लेकिन यहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर बाहर देश में घूम रहे हैं और उन्हें मणिपुर से कोई मतलब नहीं है। मणिपुर जले चाहे कुछ भी हो, उनसे जो है उन्हें कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी कहने के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो जो है देश में क्या हो रहा है, कहाँ पर दंगा हो रहा है, कहाँ पर जो है मारकाट हो रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ जो है गद्दी पर बैठ चुके हैं, उसी से उन्हें मतलब है और जो है किसी से मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आखिर में हम अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कैसा नेता चुने जो कि मुसीबत में हमारा साथ दे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को जय मसीह की।